तो आपको ये बता दी चले कि बिहार में कोरोना का जो ग्राफ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस वजह से हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और स्वास्थ्य विभाग से ये सवाल भी पूछे हैं कि अगर राज्य में सब कुछ बेहतर है, बढ़िया है, तो फिर इसमें हाईकोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा। हालांकि इन्होंने ये भी कहा, कोर्ट की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कहा गया है कि अगर सब कुछ अच्छा है ये तस्वीर मत दिखाइए, अगर ऐसा होता तो अदालत को दखल देने की जरूरत नहीं होती। आपको ये बता दी चले कि ये सुनवाई इसलिए हुई क्योंकि बिहार में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, इस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही ताकि जो लोग हैं ज़्यादा घबराए नहीं। और शायद ये वजह है कि इस पर सरकार के समक्ष जो हाईकोर्ट हैं उन्होंने संज्ञान लिया। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज नारायण जी, बहुत बड़ा ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि राज्य में कोरोना का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। क्या लगता है, सरकार के हाथ से ये जो संक्रमण है वो निकल चुका है और शायद ये वजह कि कंट्रोल नहीं कर पाने के घड़ी में अब हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, सलाह देना पड़ रहा है कि जो तस्वीरें हैं सच तस्वीरें दिखाइए। देखिए राकेश, कोर्ट को ये स्वविवेक का अधिकार है कि किसी भी मामले पर संज्ञान ले सकती है, चाहे मामला पब्लिक सेक्टर का जुड़ा हुआ हो, पब्लिक का जुड़ा हुआ हो या फिर सरकार का मामला जुड़ा हुआ हो। तो जिस तरह से अभी कोरोना महामारी पूरे देश नहीं, पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश में जिस तरह से फैल रहा है और जिस तरह से लोगों को नेवाला बना रहा है कोरोना बीमारी, और सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, ये मामला सामने मीडिया में, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया से सब कुछ दिखता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये दिखाया जा रहा है, जब ये कोर्ट जब देख रही है कि हॉस्पिटल में जनरल लोगों के लिए लगभग दरवाजा बंद कर दिया गया है, जो भी सॉरी हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है, ऑक्सीजन के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बेड की व्यवस्था नहीं है, और जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। कोर्ट ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि सरकार का जो आंकड़ा है ये सही है या गलत है। ये स्वास्थ्य विभाग के सचिव को हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि सारे आंकड़ा को प्रस्तुत किया जाए, 17 तारीख को सुनवाई हाई कोर्ट करेगी और उसके बाद में कोई निर्णय लेगी हाई कोर्ट। स्वास्थ्य विभाग को साफ तौर पर हाई कोर्ट ने कहा है कि जितने हॉस्पिटल हैं उस हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है कोरोना के पेशेंट को लेकर के, कोरोना के लिए जो ऑक्सीजन की सुविधा देनी है, जो दवाइयां हैं, या फिर कितने बेड की व्यवस्था की गई है, कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितनी जांच हो रही है, ये सारे आंकड़ा ये 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 हाई कोर्ट के सामने ये प्रस्तुत किया जाए। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हेल्थ विभाग के, उनको ये डायरेक्शन दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, पिछले दिनों राकेश आप देखे होइएगा कि मोतिहारी सिविल कोर्ट के 3 जज कोरोना पॉजिटिव हो गए, यहाँ पर भी जो सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब बड़े बड़े अधिकारियों की ये हालात है, जो मतलब कि सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं, जहाँ पे नियम कानून बनाए जाते हैं, नियम कानून बनाए जाने वाले लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना की कितनी भयावह स्थिति है और सरकार ने क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध किया है बिहार वासियों के लिए। इस पर हाई कोर्ट ने चिंता जताया है और 17 तारीख को हेल्थ विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सारे आंकड़ों के साथ तलब किया है। जी राकेश जी मनोज जी, ये बहुत बड़ा सवाल है मौजूदा वर्तमान स्थिति में, वर्तमान हालात में जो सरकार जो कर रही है, इस पर हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की, अगर सब कुछ बेहतर होता, सब कुछ सही होता, तो हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप क्यों करती, इस बात से बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकती। वर्तमान में जो बिहार सरकार करे उसमें कमी देखने को मिल रही, चाहे अस्पताल में बेडों की संख्या हो जाए या फिर वैक्सीनेशन को लेकर बात हो जाए, अगर हाईकोर्ट के इस टिप्पणी के बाद क्या लगता है कि आम लोगों को डरने की आवश्यकता है, ताकि जो सरकार है शायद उस स्तर पर नहीं कर पा रही जो वाकई में उन्हें करना चाहिए जमीनी स्तर पर। देखिए राकेश, मैंने जैसे पहले बताया कि कोर्ट जुडिशियरी को स्वविवेक का अधिकार मिला हुआ है, किसी भी मामले पर कुछ संज्ञान ले सकती है, और अगर कोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया है कि अगर सरकार की व्यवस्था अगर दुरुस्त रहती तो कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मामला आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है,
तो आम जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें अगर सरकार की गतिविधि अगर सही नहीं है, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ हाथ में मोबाइल है, तो सब कुछ सामने है, तो जिस तरह से बातें जो सामने आ रही है उसको लेकर के अब ये भी सारे मामले आ रहे हैं कि श्मशान में लाशों की संख्या की गिनती नहीं हो पा रही है, इस तरह की भी खबरें सब आ रही हैं, तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के कोर्ट ने गंभीरता से इस मामले को लिया है, और चूंकि स्वविवेक का अधिकार है, सरकार अगर कुछ गलत करती है तो उसको सरकार को आईना दिखाने का भी कोर्ट काम करती है, उस पर एक्शन भी लेती है और नियम कायदे कानून से भी वाकिफ कराती है कि ये क्या नियम है, क्या कायदा है, क्या कानून है, तो कोर्ट मतलब कानून, तो कानून कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लेकर के इस पर 17 तारीख को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हेल्थ विभाग के उनको तलब किया है, और सारा जो भी सारी जानकारियां हैं वो तलब की गई है। अगर सारी जानकारियों से सारे तथ्यों से अगर कोर्ट संतुष्ट होती है तो ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं होती है तो फिर हो सकता है कि कोर्ट कुछ डिसीजन अपना दे। जी बिल्कुल, और सीधा आदेश भी कि राज्य सरकार ने आखिर तैयारी क्या की है बिहार में कोरोना से निपटने को लेकर, यह पूरी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देने के लिए कहा गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो बिहार में कोरोना से निपटने को लेकर सरकार की जो तैयारियां है कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है, और एक तरीके से देखा जाए तो शक के दायरे में, क्योंकि जो जानकारियां मिल पा रही है उससे कोर्ट भी संतुष्ट नहीं है, और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने सीधा इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए ये सीधे कह दिया कि अगर सब कुछ बेहतर होता, सब कुछ अच्छा होता तो हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप क्यों करता, और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग को ये जवाब देना पड़ रहा है, बिहार सरकार को ये जवाब देना पड़ रहा है कि वर्तमान में बिहार में कोरोना से जो हालात हुए कैसे हैं और किस स्तर पर सरकार इससे निपटने के लिए काम करे। हालांकि अगली सुनवाई 17 अप्रैल की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है, देखना यह अहम होगा कि 17 तारीख को जो जानकारियां मिल पाती है हाईकोर्ट के समक्ष उसमें क्या कुछ जो मामले हैं वो देखे जाते हैं और किस तरह की जो जानकारियां है वो साझा हो पाती है।